हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं हूं देवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे बर्नियर हाइट गेज के ऊपर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बर्नियर हाइट गेज एक मार्किंग टूल है, इसके द्वारा हम सूक्ष्म और एक्यूरेसी के साथ जो है मार्किंग कर सकते हैं। इसके द्वारा हम 0 से लेकर 1000 mm तक की मार्किंग कर सकते हैं। इसका लीस्ट पॉइंट 0.02 mm होता है और हम इसके द्वारा जो कि हाइट भी मेजर कर सकते हैं। तो अब हम बताते हैं आपको बर्नियर हाइट गेज के द्वारा मार्किंग कैसे की जाती है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इस ग्रीन बोर्ड के ऊपर एक ड्राइंग बनी हुई है क्वार्टर जिब असेंबली की। तो इसकी हम मार्किंग करेंगे बर्नियर हाइट गेज के द्वारा, वो आपको बताएँगे ये कैसे की जाती है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने MS फ्लैट का एक वर्कपीस लिया, जिसके ऊपर हमने चौक से पेस्टिंग की है। इस पीस में सबसे पहले हमें दो साइडें जो हैं हमें 90 डिग्री के ऊपर तैयार कर लेनी है फाइल के द्वारा। अब हमें मार्किंग करने के लिए एक सरफेस प्लेट, मार्किंग टेबल और एंगल प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके द्वारा हम तभी जो है बर्नियर हाइट गेज के द्वारा हम मार्किंग कर सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेसी में और बिल्कुल सूक्ष्म साइज में। आपको पता है कि बर्नियर हाइट गेज के जो लीस्ट काउंट है वो 0.02 mm है, तो हम बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ इसके द्वारा जो है मार्किंग कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले जॉब को एंगल प्लेट के साथ 90 डिग्री में जो है सेट कर लेना है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि जो हमारी बर्नियर हाइट गेज है उसमें कोई एरर या त्रुटि तो नहीं है। तो हम देखते हैं कि सरफेस गेज का जो स्क्राइबर है, तो हमने उसको हमने बिल्कुल सरफेस के साथ नीचे टच कर लेना है। तो हमने देखना है कि जो हमारा मेन स्केल है उसकी जो जीरो है वो हमारी जो है बर्नियर स्केल की जीरो के साथ बिल्कुल मैच करनी चाहिए। जब हमारा जो है स्क्राइबर है वो सतह के साथ जो है सरफेस प्लेट की वो टच है, तो देखते हैं कि जो इसमें एरर है वो इस टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो हम इसके द्वारा एक्यूरेसी के साथ जो है मार्किंग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमने ड्राइंग को चेक करना है कि उसमें जो पहली डिमेंशन है वो कितनी है। तो हम उसको जो है बर्नियर हाइट गेज के ऊपर जो पहली डिमेंशन है उसको हम खोल लेंगे, सेट कर लेंगे। जो हमारी पहली डिमेंशन है 12.5 mm के ऊपर हमने सेट कर लिया। अब हम इसको बर्नियर हाइट गेज को 45 डिग्री के क्रॉस में स्लाइड करेंगे, जिससे हमारी जो पहली मार्किंग लाइन लग चुकी है। अब हम दूसरी डिमेंशन देखेंगे, वो हम बर्नियर हाइट गेज के ऊपर जो है सेट करेंगे। हम देखते हैं कि जो दूसरी डिमेंशन है वो हमारी 20 mm थी, पहली हमारी 12.5 थी, तो हमारी 32.5 mm है हमारी डिमेंशन बनी है। तो हमने इसको 30.2 mm खोलना है। तो हम देखते हैं 32 point हमारी जो है रीडिंग है वो खुल चुकी है। तो हमने इसको लॉक कर लेना है साथ। हमने दूसरी जो मार्किंग लाइन है वो वैसे ही 45 डिग्री के ऊपर हमने लगा लेनी है। तो अब हम देखते हैं जो अगली नेक्स्ट डिमेंशन है वो कितनी है, और उसको भी वैसे ही हमने पहले बर्नियर हाइट गेज के ऊपर सेट कर लेना है। तो अब हमारी एक साइड की जो मार्किंग है वो हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड से करेंगे। तो हम देखते हैं ड्राइंग में जो है सबसे पहली डिमेंशन है, दूसरी जो है वो कितनी है। तो हमने बर्नियर हाइट गेज को कितना खोलना है। तो दूसरी जो साइड है इसमें जो ड्राइंग में आपको दिखाई दे रही है वो सबसे पहले हमने 10 mm जो है बर्नियर हाइट गेज को खोलना है, सेट कर लेना। 10 mm के ऊपर हम इसको सेट कर लेते हैं। तो हमने 10 mm के ऊपर जो है जीरो है जो बर्नियर स्केल की इसको सेट कर लिया है। तो हम इस साथ में इसको लॉक भी कर लिया है, और हम जो पहली मार्किंग लाइन है अब हम 45 डिग्री के ऊपर वैसे ही इसको स्लाइड करेंगे, जैसे हमने पहले जो साइड की मार्किंग की थी वैसे हमने पहली जो मार्किंग लाइन है वो हमने लगा ली है। तो अब हमारी जो दूसरी मार्किंग डिमेंशन है वो हमारी 20 mm है। तो अब हम 20 mm को हमने इसके ऊपर सेट कर लिया है। तो हम
जो है वैसे ही 45 डिग्री के ऊपर दूसरी जो मार्किंग लाइन है दूसरी साइड की, उसको भी वैसे ही क्रॉस में लगा लेंगे। तो अब हम नेक्स्ट जो है मार्किंग लाइन है उसको डिमेंशन को सेट करते हैं बने हाइट गेज के ऊपर। ड्राइंग में आपने देख लेना है, साथ में ड्राइंग आपकी जो है साथ में जो आप दिखाई दे रही होगी कि हमने अब 17.5 mm को रीडिंग जो है इसमें सेट कर ली है। तो अब हम वैसे ही मार्किंग लाइन को लगाते हैं जैसे हमने पहले लगाई थी। तो अब हम जो हमारी नेक्स्ट जो मार्किंग डिमेंशन है उसको हम सेट करेंगे बने हाइट गेज के ऊपर। तो सबसे पहले हमें लॉक नट को लूज करके उसको स्लाइड करना है जितने mm हमने खोलनी है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट रीडिंग है वो 27.5 mm है। तो हमने 27.5 mm को इसके ऊपर जो है सेट कर लेना है। अब हम जो है 20.7 की जो लाइन है वो लगा ली है। अब हमारी जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं पंचिंग की ओर। तो हमें पंचिंग के लिए एक हैमर की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारे पास बॉल पिन हैमर है 220 ग्राम का। ये नीचे वाला इसका फेस और ऊपर वाला पेन है। अब और साथ में ही हमारे पास एक डॉट पंच है जिसका एंगल 60 डिग्री होता है। अब हम इसके साथ जो है मार्किंग करेंगे। अब ये हमारी जो है एनबल है जिसके ऊपर रख के जो है मार्किंग की जाती है। तो अब हम शुरू करते हैं जो है पंचिंग जॉब के ऊपर कैसे की जाती है। तो अब हमने जो मार्किंग की हुई जॉब है उसको लिया है। तो हमने पंच के द्वारा इसके ऊपर जो है जो मार्किंग लाइनें लगाई है उनको पक्का कर लेना है सभी लाइनों को जो हमारी एक्यूरेट मार्किंग है। अब वीडियो के द्वारा देख रहे हैं कि जो हमारी मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। साथ में हमने पंचिंग ही आपको करना बता दिया है कि पंचिंग कैसे की जाती है। तो हमारी जो मार्किंग की विधि थी, अगर आपको ये पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।